राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है YouTube चैनल अच्छी शिक्षा के अंदर। आज आपके लिए नया टॉपिक लेके आया हूं, वाच्य। आज का हमारा टॉपिक है वाच्य, जिसे इंग्लिश में कहते हैं वॉइस। इंग्लिश में क्या कहते हैं? वॉइस, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। तो आज हमारा टॉपिक रहेगा वाच्य। सबसे पहले मैं आप बताता हूं वाच्य किसे कहते हैं। वाच्य किसे कहते हैं? किसी भी बात को कहने का तरीका ही वाच्य कहलाता है। किसी भी बात का कहने का तरीका वाच्य कहलाता है। किसी भी बात को कहते हैं, किसी भी बात का कहने का जो तरीका होता है उसे ही वाच्य कहते हैं। किसी भी बात का कहने का जो तरीका होता है उसे वाच्य कहते हैं। वाच्य मुख्यतः यह तीन प्रकार के होते हैं। वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के। कितने प्रकार के वाच्य होते हैं? तीन प्रकार के वाच्य होते हैं। एक तो होता है कर्तृवाच्य, एक होता है कर्मवाच्य और एक होता है भाववाच्य। एक तो होता है कर्तृवाच्य, दूसरा होता है कर्मवाच्य और तीसरा होता है भाववाच्य। कितने प्रकार के होते हैं वाच्य? तीन प्रकार के, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। आज अपन कर्तृवाच्य के बारे में चर्चा करते हैं। कर्तृवाच्य किसके बारे में चर्चा करेंगे? कर्तृवाच्य के बारे में चर्चा करते हैं। कर्तृवाच्य क्या होता है? कर्तृवाच्य यानी कर्त्री, यानी कर्तृवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है। कर्तृवाच्य में किसकी प्रधानता होती है? कर्ता की प्रधानता होती है। अब मैं आपको बताता हूं कर्ता किसे कहते हैं। कर्ता किसे कहते हैं? यानी जो अपने कार्य करने में स्वतंत्र होता है, जो अपने कार्य करने में स्वतंत्र होता है उसे क्या कहते हैं? कर्ता कहते हैं। कर्ता किसे कहते हैं? जो अपने कार्य करने में क्या होता है? स्वतंत्र होता है उसे क्या कहते हैं? कर्ता कहते हैं। तो कर्तृवाच्य में किसकी प्रधानता होती है? कर्ता की प्रधानता होती है। कर्ता की क्या होती है? प्रधानता। कर्तृवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है। कर्ता के अनुसार क्रिया का प्रयोग किया जाता है, यानी कर्ता के अनुसार। कर्तृवाच्य में क्या होता है? कर्ता के अनुसार क्रिया का प्रयोग किया जाता है। कर्ता अगर एक वचन का होता है तो क्रिया भी एक वचन की होगी। कर्ता अगर द्विवचन का है तो क्रिया भी द्विवचन की होगी। अगर कर्ता बहुवचन का होता है तो क्रिया भी बहुवचन की होगी। तो कर्ता के अनुसार किसका प्रयोग किया जाता है? कर्ता के अनुसार क्रिया का प्रयोग किया जाता है। कर्ता के अनुसार किसका प्रयोग किया जाता है? क्रिया का प्रयोग किया जाता है। कर्ता में हमेशा प्रथमा विभक्ति होती है। कर्तृवाच्य में, कौन से वाच्य में? कर्तृवाच्य में कर्ता में हमेशा प्रथमा विभक्ति होती है। और कर्मवाच्य और भाववाच्य में कर्ता में तृतीया विभक्ति होती है। कर्तृवाच्य में कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है और कर्मवाच्य तथा भाववाच्य में कर्ता में कौन सी विभक्ति होती है? तृतीया विभक्ति होती है। कर्तृवाच्य में कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है, कौन सी विभक्ति होती है? प्रथमा विभक्ति होती है। और कर्मवाच्य और भाववाच्य में कर्ता में तृतीया विभक्ति होती है। वाच्य में सकर्मक व अकर्मक धातुओं का प्रयोग किया जाता है। वाच्य में दो प्रकार की धातु होती है, एक तो होती है सकर्मक, एक अकर्मक।
सहकर्मक यानी जिसमें कर्म हो, सहकर्मक यानी जिसमें कर्म होता है, जिस वाक्य में क्या हो, कर्म हो उसे तो कहते हैं सहकर्मक, जिसमें कर्म न हो उसे क्या कहते हैं, अकर्मक। तो वाच्य में सहकर्मक व अकर्मक धातुओं का प्रयोग किया जाता है। वाच्य में सहकर्मक और अकर्मक दोनों धातुओं का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। सहकर्मक यानी होता है, यानी सहकर्मक यानी वाक्य में कर्ता होना, कर्म होना चाहिए। अकर्मक यानी कर्म नहीं होता है, अकर्मक यानी कर्म नहीं होता है और सकर्मक यानी कर्म होना चाहिए। आपको मैं एक बात बता देता हूं, वाच्य हमेशा लट लकार में ही होते हैं। वाच्य किस में होते हैं, लट लकार में, यानी लट लकार का मतलब यानी वर्तमान काल में ही होते हैं। वाच्य कौन से काल में होते हैं, वर्तमान काल में होते हैं। वाच्य कौन से काल में होते हैं, वर्तमान काल में होते हैं। वाच्य का प्रयोग लट लकार में ही किया जाता है। वाच्य का प्रयोग किसमें किया जाता है, लट लकार में किया जाता है। वाच्य का पहला उदाहरण अपने पास राम पुस्तक फड़ता है। राम क्या करता है, पुस्तक फड़ता है। हिंदी से संस्कृत बनाते हैं अपन, तो सबसे पहले क्या देखते हैं कि वाक्य कौन से लिंग का है, क्या देखेंगे, वाक्य कौन से लिंग का है। वाक्य है राम पुस्तक फड़ता है, राम पुस्तक फड़ता है, तो राम क्या है, कर्ता। राम क्या है, कर्ता। कौन से लिंग का वाक्य है, पुल्लिंग का। राम क्या है, अकारांत पुल्लिंग। क्या है, अकारांत पुल्लिंग शब्द है राम, अकारांत पुल्लिंग। वाक्य कौन से लिंग का हो गया, पुल्लिंग वाक्य हो गया। कौन से लिंग का है, पुल्लिंग का वाक्य है। कर्ता कौन है, राम। कर्ता कौन है यहां पे, राम। क्रिया क्या कर रहा है, फटने की। राम कर्ता है। वाक्य में कर्ता किसे कहते हैं, मैंने आपको पहले बताया था, जो अपने कार्य करने में क्या हो, स्वतंत्र हो। अपने कार्य करने में क्या होता है, स्वतंत्र होता है, उसे क्या कहते हैं, कर्ता कहते हैं। तो राम क्या है, कर्ता। क्रिया क्या कर रहा है, ये फड़ने की। क्या क्रिया कर रहा है, फड़ने की। क्या क्रिया कर रहा है, फड़ने की। क्रिया होती है जैसे खाने की क्रिया हो, रोने की हो, सोने की हो, धोने की हो, खेलने की हो, पीने की हो, दौड़ने की हो, वो सब क्या होती है, क्रिया। तो राम यहां पे किसकी क्रिया कर रहा है, फड़ने की क्रिया कर रहा है। किसकी क्रिया कर रहा है, फड़ने की। तो राम करता है, क्रिया क्या कर रहा है, फड़ने की। फड़ना क्या हो गया, क्रिया। क्या हो गया, क्रिया। अब कर्म क्या है इसमें, कर्म किसे कहते हैं, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कर्म किसे कहते हैं, कि कर्ता अपनी क्रिया के माध्यम से जिसको सबसे ज्यादा चाहता है। कर्ता अपनी क्रिया के माध्यम से जिसको सबसे ज्यादा चाहता है उसे क्या कहते हैं, कर्म। तो कर्ता क्या है इसमें, राम। क्रिया क्या कर रहा है, फटने की। और कर्म क्या है इसका, फट क्या फट रहा है, ये पुस्तक। क्या फटता है, पुस्तक। तो कर्म क्या हो गया, पुस्तक। और कर्म किसे कहते हैं, कि कर्ता अपनी क्रिया के माध्यम से जिसको सबसे ज्यादा चाहता है। तो कर्ता राम है, क्रिया कर रहा है फड़ने की। क्या फड़ने की, पुस्तक। तो पुस्तक को यहां सबसे ज्यादा क्या कर रहा है, चाह रहा है। तो पुस्तक क्या हो गई, कर्म। तो कर्तृवाच्य में क्या होता है, कर्ता में कौन सी विभक्ति होती है, प्रथमा। कर्ता में कौन सी विभक्ति होती है, प्रथमा। और कर्ता अनुसारिणी क्रिया, कर्ता अनुसारिणी क्रिया, यानी कर्ता के अनुसार क्या लगाते हैं, क्रिया लगाते हैं। तो राम क्या है इसमें, एक ही राम है, एक वचन का, दो राम नहीं है। यहां पे ये वाक्य नहीं है कि दो राम पुस्तक पढ़ते हैं, राम कितना है यहां पे, एक। राम क्या है, अकारांत पुल्लिंग शब्द। कौन से शब्द है,
राम कौन सा शब्द है? अकारांत शब्द है। तो राम शब्द के रूप चलते हैं राम, रामौ, रामः। तो राम क्या है? एक ही है। तो कर्तृवाच्य में कर्ता में कौन सी विभक्ति होती है? प्रथमा विभक्ति होती है। कौन सी विभक्ति होती है? प्रथमा। तो राम एक वचन का है तो क्या होगा? राम है। क्या हो जाएगा? राम है। क्यों? राम स्वयं ही है। कौन है राम? स्वयं है। दो राम नहीं है, अनेक राम नहीं है, राम खुद ही है स्वयं। कर्ता क्या क्रिया कर रहा है? फड़ने की। तो कर्ता अनुसारिणी क्रिया, कर्ता अनुसारिणी क्रिया। तो कर्ता के अनुसार क्या लगाते हैं? क्रिया। तो क्रिया क्या कर रहा है? फड़ने की। फड़ने के योग में कौन सी धातु चलती है? पठ धातु। कौन सी धातु होती है? पठ। और पठ धातु के रूप चलते हैं पठती, पठता है, पठंती। पठती, पठता है, पठंती। तो कर्ता क्या है? एक वचन का है तो क्रिया भी क्या लगेगी? एक वचन की। क्या लगेगी क्रिया? एक वचन की ही लगेगी। तो फड़ने की, फड़ने के योग में कौन सी धातु चलती है? पठ धातु चलती है। और पठ धातु का एक वचन क्या होता है? प्रथमा विभक्ति का एक वचन, प्रथम पुरुष का एक वचन, पठती। क्या होगा? पठती। तो क्रिया क्या लग जाएगी? पठती। अब कर्म में हमेशा कौन सी विभक्ति होती है? द्वितीय विभक्ति होती है। कर्म में कौन सी विभक्ति होती है? द्वितीय। कर्म में कौन सी विभक्ति होती है? द्वितीय विभक्ति होती है। तो राम पुस्तक फड़ता है। तो राम कर्म किसे कहते हैं? कर्ता के, कर्ता, कर्ता अपनी क्रिया के माध्यम से जिसको सबसे ज्यादा क्या करता है? चाहता है। तो कर्ता किसको चाह रहा है यहां पे? पुस्तक को। तो पुस्तक क्या है? कर्म। कर्म में कौन सी विभक्ति होती है? द्वितीय विभक्ति होती है। कर्म में कौन सी विभक्ति होती है? द्वितीय विभक्ति होती है। तो क्या क्या फटता है राम? पुस्तक फटता है। पुस्तक शब्द चलते हैं नपुंसक लिंग में। कौन से लिंग में चलते हैं पुस्तक शब्द? नपुंसक लिंग में चलते हैं। पुस्तकम पुस्तके, पुस्तकानी पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानी। यानी प्रथमा में भी कैसे चलेंगे? पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानी। द्वितीय में, द्वितीय विभक्ति में भी इसका रूप कैसे चलता है? पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानी। तो कर्म में कौन सी विभक्ति होती है? द्वितीय। तो पुस्तकम का द्वितीय विभक्ति में क्या होता है? पुस्तक का द्वितीय विभक्ति में क्या होगा? पुस्तकम। तो वाक्य क्या बन गया? राम है पुस्तकम पठती। राम क्या करता है? पुस्तक फड़ता है। राम है पुस्तकम पठती, यानी राम पुस्तक फड़ता है। दूसरा वाक्य अपने पास, वह फल खाता है। वह क्या करता है? फल खाता है। फल खाता है तो कौन से लिंग का वाक्य हो गया? पुल्लिंग का। कौन से लिंग का वाक्य है? पुल्लिंग का वाक्य है। कर्ता क्या है? वह। क्रिया क्या कर रहा है? खाने की। किसकी क्रिया कर रहा है? खाने की। क्या खाने की? फल खाने की क्रिया कर रहा है। क्या खाने की क्रिया कर रहा है? फल खाने की क्रिया कर रहा है। तो कर्ता क्रिया के माध्यम से सबसे ज्यादा किसको चाह रहा है यहां पे? फल को। तो फल क्या हो गया? कर्म। फल क्या हो गया? कर्म। कर्ता क्या है? वह। तो संस्कृत में वह की संस्कृत क्या होती है पुल्लिंग में? सह। सह तौ ते। सह एक वचन के लिए, तौ द्विवचन के लिए, और ते सह एक वचन के लिए, तौ द्विवचन के लिए, और ते बहुवचन के लिए। स्त्रीलिंग में चलते हैं सा ते ताहा, और नपुंसक लिंग में चलते हैं तत् ते तानी। तो अपना वाक्य कौन से लिंग का है? पुल्लिंग का है। तो वह की क्या होगी? सह। क्या होगी? सह। क्या करता है? कर्ता के अनुसार क्या लगाते हैं? क्रिया। कर्ता के अनुसार क्या लगाते हैं? क्रिया। कर्ता अनुसारिणी क्रिया। तो क्रिया क्या कर रहा है? वह खाने की। क्या खाने की? फल खाने की। तो क्या क्रिया कर रहा है? खाने की। खाने के योग में कौन सी धातु चलती है?
खाद धातु, इसके रूप चलते हैं खादति, खादत है, खादंती। रूप कैसे चलते हैं? खादति, खादत है, खादंती। तो कर्ता क्या है अपना? एक वचन का है। कर्ता कौन से वचन का है? एक वचन का। तो क्रिया भी एक वचन की ही लगेगी। क्रिया कौन से वचन के लगेगी? एक वचन की। कर्ता अनुसारिणी क्रिया, यानी कर्ता एक वचन का होगा तो क्रिया भी एक वचन की ही होगी। कर्ता द्विवचन का होगा तो क्रिया भी द्विवचन की होगी। कर्ता बहुवचन का होगा तो क्रिया भी बहुवचन की होगी। तो कर्ता एक वचन का है तो क्रिया भी कौन सी होगी? एक वचन की। तो एक वचन क्या आता है? खादति। क्या होगा? खादति। तो ये क्या है अपना? कर्ता, कर्ता अनुसारिणी क्रिया, क्रिया भी अपन ने लगा दी। अब कर्ता क्रिया के माध्यम से यहां सबसे ज्यादा किसको चाहता है? फल को। किसको चाह रहा है? फल को। तो जिसको चाहता है उसमें कौन सी विभक्ति होती है? उसे क्या कहते हैं? कर्म। कर्ता क्रिया के माध्यम से जिसको सबसे ज्यादा चाहता है उसे क्या कहते हैं? कर्म। और कर्म में कौन सी विभक्ति होती है? द्वितीय विभक्ति होती है। तो कर्म क्या है? फल। क्या खाता है वह? फल खाता है। तो कर्म में कौन सी विभक्ति होगी? द्वितीय विभक्ति होगी। फल शब्द नपुंसक लिंग में चलते हैं। कौन से लिंग में चलते हैं? नपुंसक लिंग में ही चलते हैं। फलम फले फलानी, फलम फले फलानी। तो इसमें क्या आएगा? एक वचन में क्या होता है? प्रथमा विभक्ति में क्या होगा? फलम फले फलानी। और द्वितीय विभक्ति में भी क्या होता है? फलम फले फलानी। तो अपने को कर्म में कौन सी विभक्ति होती है? द्वितीय विभक्ति होती है। तो यहां पे क्या आएगा? फलम। क्या वाक्य बन गया? सह फलम खादति, सह फलम खादति। क्या बन गया? सह फलम खादति। तीसरा उदाहरण अपना, वह फड़ती है। क्या है? वह फड़ती है। तो सबसे पहले वाक्य को देखते हैं, कौन से लिंग का वाक्य है? वह फड़ती है। तो स्त्रीलिंग वाक्य है। कौन से लिंग का वाक्य है? स्त्रीलिंग वाक्य है। कौन से लिंग का वाक्य है? स्त्रीलिंग का वाक्य है। वह फड़ती है। कर्ता क्या हो गया? वह। क्रिया क्या है इसकी? फड़ने की। क्या क्रिया कर रही है? फड़ने की क्रिया कर रही है। तो वह को स्त्रीलिंग में क्या कहते हैं? वह को संस्कृत में क्या कहते हैं? पुल्लिंग में तो कहते हैं सह, स तउ ते। स्त्रीलिंग में कहते हैं सा ते ताहा। स्त्रीलिंग में क्या कहते हैं? सा ते ताहा। पुल्लिंग में क्या कहते हैं? स तउ ते। और नपुंसकलिंग में क्या कहते हैं? तत् ते तानि। क्या कहते हैं? तत ते तानी। तो अपने पास वाक्य कौन से लिंग का है? स्त्रीलिंग का। तो स्त्रीलिंग में क्या होता है एक वचन के लिए? वह फड़ती है। वे दोनों नहीं फड़ती है, वे सब नहीं फड़ती है, वह फड़ती है। यानी एक वचन का वाक्य है। कौन से वचन का वाक्य है? एक वचन का वाक्य है। तो वह की क्या होगी स्त्रीलिंग में? सा। क्या होगा? सा। वह क्या करती है? किस चीज की क्रिया कर रही है? फड़ने की क्रिया कर रही है। किसकी क्रिया कर रही है? फड़ने की क्रिया कर रही है। वह फड़ती है। सा फड़ने के योग में भी बताया था मैंने। कौन सी धातु चलती है? पठ धातु। पठ धातु के रूप चलते हैं पठती, पठतः, पठंती। पठ धातु के रूप कैसे चलते हैं? पठती, पठतः, पठंती। सा पठती। कर्ता अनुसारिणी क्रिया। कर्ता क्या है? एक वचन का है। कर्ता क्या है? एक वचन का है। तो क्रिया भी कौन से वचन की होगी? एक वचन की होगी। तो क्या क्रिया कर रहा है वह? फड़ने की क्रिया कर रही है। किसकी क्रिया कर रही है? फड़ने की। और फड़ने के योग में पठ धातु चलती है। पठ धातु के रूप चलते हैं पठती, पठता है, पठंती। सा पठती। चौथा उदाहरण अपने पास, वह जल पीता है। वह क्या करता है? जल पीता है। वह क्या करता है? जल पीता है।
पुल्लिंग वाक्य हो गया, कौन सा लिंग का वाक्य हो गया, पुल्लिंग का वाक्य हो गया। तो कर्ता क्या इसमें वह, क्रिया क्या कर रहा है, पीने की, क्या पीने की, जल पीने की, क्या पीने की, जल पीने की। तो कर्ता क्रिया के माध्यम से सबसे ज्यादा किसको चाह रहा है, यहां पे जल को, किसको चाह रहा है, जल को। तो कर्ता क्या है, वह, पुल्लिंग वाक्य है तो वह की संस्कृत क्या होती है पुल्लिंग में, सह, क्या होती है पुल्लिंग में, सह, पुल्लिंग में क्या होती है, सह। कर्ता अनुसारिणी क्रिया, कर्ता क्या है एक वचन का है, तो क्रिया भी क्या होगी एक वचन की होगी, क्रिया भी क्या होगी, कर्ता अगर एक वचन का होता है तो क्रिया भी एक वचन की होगी, कर्ता द्विवचन का होगा तो क्रिया भी द्विवचन की होगी, कर्ता अगर बहुवचन का होता है तो क्रिया भी बहुवचन की होगी। पीता है वह, क्या क्या कर रहा है, किसकी क्रिया कर रहा है, पीने की क्रिया कर रहा है, पीने के योग में चलती है पा धातु, कौन सी धातु चलती है, पा धातु हो, पा धातु के रूप चलते हैं पीवती, पीवता है, पीवता है, पीवंती, पा धातु के रूप कैसे चलते हैं, पीवती, पीवता है, पीवंती, पीवती, पीवता है, पीवंती। तो कर्ता क्या है एक वचन का है, तो क्रिया भी कौन सी लगेगी, एक वचन की ही लगेगी, क्रिया कौन सी लगेगी, कर्ता अगर एक वचन का होता है तो क्रिया भी एक वचन की ही लगती है। तो पीने के योग में पा धातु होती है और एक वचन में क्या होता है, पा धातु में पीवती, क्या होगा, पीवती। और कर्म, कर्ता के अनुसार क्रिया लगा दिए और कर्म में कौन सी विभक्ति होती है, द्वितीय विभक्ति होती है, कर्म में कौन सी विभक्ति होती है, हमेशा द्वितीय विभक्ति होती है। तो कर्ता क्रिया के माध्यम से सबसे ज्यादा किसको चाह रहा है, जल को, तो जल क्या हो गया, कर्म, तो कर्म में कौन सी विभक्ति होगी, द्वितीय विभक्ति होगी। तो जल शब्द नपुंसकलिंग में चलते हैं, जलम जले जलानी, जलम जले जलानी, प्रथमा विभक्ति में भी ऐसा ही रूप है जलम जले जलानी, और द्वितीय विभक्ति में भी इसके रूप ऐसे ही चलते हैं जलम जले जलानी, जलम जले जलानी, जलम जले जलानी। तो इसमें क्या आएगा, कर्म में कौन सी विभक्ति होती है, द्वितीय विभक्ति होती है, तो जलम क्या आएगा, जलम। वाक्य क्या बन गया, सह जलम पीवती, सह जलम पीवती, सह जलम पीवती, यानी वह जल पीता है, वह क्या करता है, जल पीता है। यह अपना आज कर्तृवाच्य का अध्यापन कार्य अपन ने कर लिया है। अगले वीडियो में अपन कर्मवाच्य के बारे में चर्चा करेंगे, कौन से वाच्य के बारे में, कर्मवाच्य के बारे में चर्चा करेंगे। आपको समझ में ना आए तो वीडियो को आगे पीछे करके आप देख सकते हैं। जय श्री राधे।